Today I am going to revise chapter federalism. Two or more levels of government is known as federal form of government. And you know it very well, India is a federal country. Because in India we have central government, state government and local government. There are two roots of federation coming together and holding together. These are the two roots of federation are coming together and holding together. In India, we have holding together federation. In India, central government is more powerful. States are unstable to central government. So India ko kai baar hum quasi federal bhi kehte hain. Quasi means some features India is following of unitary form of government. Agar aapko kahin pe quasi word aa jaye quasi federal to wo India ke liye use kiya jata hai quasi federal. Because in India states are not totally independent. States are answerable to central government. Whereas in whole coming together federation states are totally independent. They are not under the control of central government. In India, citizens enjoy a single citizenship. Person is the citizen of the country only. Whereas in USA, citizens enjoy dual citizenship. Person is the citizen of the country and of the state also. So next is countries having coming together federation. You have learned like this. For example, aapko USA pata. You know USA is having coming together federation. USA, Switzerland, Australia. आपको सिर्फ यूएसए लिखना है, आपके अपने आप कंट्रीज बन जाएंगी. यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इनमें कौन सी फेडरेशन है? कमिंग टुगेदर. नेक्स्ट इज होल्डिंग टुगेदर. यू हैव टू राइट ओनली दिस वर्ड एसबीआई. एसबीआई लिखोगे तो अपने आप आपकी कंट्रीज बन जाएंगी. एस फॉर स्पेन, बेल्जियम, इंडिया. स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया हैज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. वेयर एज यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैज कमिंग टुगेदर फेडरेशन. स्पेन, बेल्जियम, इंडिया है, इनमें कौन सी फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर. यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव कमिंग टुगेदर फेडरेशन. सो लर्न दीज. In this way, you can learn six countries having federal form of government. No doubt that these are the two roots of federation. But yes, six countries are having federal form of government. कई बार पेपर में पूछते होते हैं कि out of these, which is not a federal form of government. तो इनमें से ये six देने के बाद एक wrong दी हुई तो you can identify, because mostly वो वही countries देते हैं which are given in the book. So next is unitary. Unitary, आप कहोगे यूएस, यूके, श्रीलंका. यूके एंड श्रीलंका दोनों में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यूके एंड श्रीलंका दोनों में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अब यूनिटरी एंड फेडरल में फर्क. फेडरल में आप बोलोगे टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी में आप बोलोगे सिंगल लेवल. फेडरल में आप बोल सकते हो सिटीजंस एंजॉय ड्यूअल सिटीजनशिप. वेयर एज इन यूनिटरी सिंगल सिटीजनशिप. तो here some features of Indian federalism are matching with unitary form of government. But yahan pe confuse nahi hona, tabhi maine bola hai
इंडिया के लिए कई बार क्वासी फेडरल वर्ड यूज कर लेते हैं। तो यूनिटरी के लिए आपको लर्न रखना है यूके एंड श्रीलंका। वेयर एज फॉर फेडरल आई हैव टोल्ड यू सो मेनी कंट्रीज। नेक्स्ट इज इन इंडिया वी फॉलो लिस्ट सिस्टम। नाउ व्हाट्स लिस्ट सिस्टम? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें आपको बताना चाहिए यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स। यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स। यू हैव टू लर्न। वन मोर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। देन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स। यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स। कॉन्करेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट्स। कॉन्करेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट्स। लर्न लाइक दिस। यूनियन लिस्ट 97, स्टेट लिस्ट 66, कॉन्करेंट 47। एंड यूनियन लिस्ट लॉज आर मेड ऑन दीज सब्जेक्ट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन यूनियन लिस्ट। यू नो द सब्जेक्ट्स, यू हैव टू टेक रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशनड इन द बुक, बिकॉज एक सब्जेक्ट दे के पूछ लेना कि ये किस लिस्ट में आता है। तो यू शुड नो ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर गिवन इन द बुक। डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सारे आपको लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है इस पे, मेक्स लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स विच आर गिवन इन स्टेट लिस्ट। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर गिवन इन स्टेट लिस्ट? 66। Who makes law on state list? State government. State government इस पे law बनाती है state list में। इसमें आएगा agriculture, police, you have to learn. Next is concurrent list. It has 47 subjects. Both central and state government make laws on these subjects. दोनों ही law बनाते हैं central and state. Unit concurrent list has 47 subjects. Both central and state government make laws on these subject. But अब क्योंकि दो जने work कर रहे हैं तो if clashes occur, then law made by central prevails. अगर law बनाते वक्त clashes हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए दोनों में, तो law made by central government prevails. Next is residuary powers. Residuary powers. Subjects which are not included in the list system, subjects which are not included in the list system are added in residuary powers. फॉर एग्जाम्पल जैसे आई टी कह लो, रेलवे कह लो आप, है ना। तो इस पे लॉ कौन बनाता है? हु एंजॉयज रेजिडरी पावर्स? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। रेजिडरी पावर्स आर एंजॉयड ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ। स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ। कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ मेक लॉज। बट इफ clashes occur, law made by central prevails. Residuary powers, subjects which are not included in list system are added in residuary powers. Residuary powers are enjoyed only by parliament, only by central government. So this list system we are following in India. Next is
language policy of India. What do you know about the language policy of India? So first of all, हम कहेंगे 22 languages are recognized by the constitution. 22 languages are recognized by our constitution. When Hindi was made official language, there was violence in Tamil Nadu in 1965. हिंदी को जब हमारे फेमस ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का डिसीजन लिया तो देयर वॉज वॉयलेंस इन तमिलनाडु इन 1965. तमिल डिमांडेड दैट विद हिंदी English should also make official language. So our framers agreed because they didn't want civil war in India that had happened in Sri Lanka due to language. You know it very well, now. The Sri Lanka may be Tamil ne hi violence create ki thi when Sinhala became the official language. Tamil demanded with Sinhala, Tamil should also make official language. But Sinhala leaders ignored Tamil because they followed majoritarianism. So there was civil war in Sri Lanka. So our framers didn't want civil war in India that had happened in Sri Lanka. They agreed with Hindi. Official work of the country is now done in English also. With Hindi, Hindi and English, dono languages mein hamari central government ka work hota hai, theek hai? States have also given permission that they can do their state work in their own state language. They can promote their state language with English. स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल पंजाब की गवर्नमेंट पंजाबी को प्रमोट कर सकती है. दैट्स व्हाई पंजाबी इज कंपलसरी इन द स्कूल्स. सो स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन राइट टू प्रमोट देयर स्टेट लैंग्वेज. दे कैन डू देयर स्टेट वर्क इन पंजाब इन देयर ओन स्टेट लैंग्वेज विद इंग्लिश. So this is the language policy we are following in India. Linguistic states. Yes, इसमें हम बताएंगे. After independence, new states were set up and old states were vanished. Independence के बाद क्या हुआ? New states were set up. And old states were vanished. New states set up हो गई, old states vanish कर दी इन्होंने. This was done so that people speaking same language. This was done so that people speaking same language should live in same state. Our framers didn't want clashes on the basis of language. So language based states were set up in India, linguistic states, and free states such as Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand, ye jo tino states hai na, these are not linguistic states, these are culture based states. Listen again, Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand jo hai na, these are culture based states, not linguistic states. Article 371 ke according Nagaland ko vast powers bhi mili. So Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand jo hai na, these are the culture based states, not linguistic states. Agar main isme puchu aapse ke identify which is a linguistic state, now listen carefully. Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand and Bihar. Bihar is linguistic state. Agar main puchu out of these which is a culture based state, now listen carefully. Punjab, Haryana, Gujarat and Jharkhand. Jharkhand is a culture based state.
सो आइडेंटिफाई ऐसे आपको आ सकते हैं ना, तो यू शुड लर्न लिंग्विस्टिक डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड कल्चर बेस्ड। सिर्फ आपको कल्चर बेस्ड स्टेट्स, इंडिया की थ्री कल्चर बेस्ड स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो इस वजह से अगर आप इनको लर्न रखोगे तो आपका कभी गलत नहीं होएगा, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नेक्स्ट, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। इसमें हम बताएंगे व्हेन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस में, अर्लियर आप बताओगे कि अर्लियर सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस वर नॉट गुड, बिफोर द कमिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बट व्हेन कोलिशन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड तो सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस हैज बिकम गुड। आपको कोलिशन गवर्नमेंट के ईयर लर्न करने हैं कि कब आई इंडिया में। इसके बाद आपका आ जाना है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि व्हेन सम ऑफ द पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप मुझे बताओ डिसेंट्रलाइजेशन आई तो हुज पार्टिसिपेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज, मेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई, बच्चों की इंक्रीज हुई, बूढ़ों की इंक्रीज हुई कि वुमेन की इंक्रीज हुई, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं 33% सीट्स आर फिक्स फॉर वुमेन। तो हम खुद ही कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जब आई ना तो वो वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ी। इन सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन सिर्फ 10% है, इन स्टेट गवर्नमेंट इट इज 5%, वेयर एज इन लोकल गवर्नमेंट इट इज 33%। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो डिसेंट्रलाइजेशन आने से वुमेन की पार्टिसिपेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड। तो डिसेंट्रलाइजेशन में आप सबसे पहले तो ये बताओगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि यू हैव डन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड इन दैट यू हैव रेड अबाउट पंचायत, विलेज पंचायत पढ़ी है आपने, एंड देन ब्लॉक समिति, एंड देन जिला परिषद, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगर मैं पूछूं सरपंच इज द हेड ऑफ विलेज पंचायत, मेंबर ऑफ पंचायत आर नोन एज, यू नो इट वेरी वेल, पंचेस, हेड ऑफ ब्लॉक समिति सरपंच, चेयरपर्सन के मेयर चेयरपर्सन, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड वार्ड मेंबर्स, पंचेस के काउंसलर्स, काउंसलर्स, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड काउंसलर्स, हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर, मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स, हेड इज कॉल्ड मेयर, मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स। एट द लोएस्ट लेवल देयर इज इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इट वर्क्स एट लोएस्ट लेवल विलेज पंचायत, इन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट इट वर्क्स एट हाइएस्ट लेवल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट वर्क्स एट हाइएस्ट लेवल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आपको इनके हेड, इनके मेंबर्स यू शुड नो। टेन्योर ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो आप सबको पता है कि टेन्योर सबका 5 years है, यू नो इट वेरी वेल, टेन्योर इज 5 years, 5 years के बाद इलेक्शंस होते हैं। ग्राम सभा, ग्राम सभा में आप यही बताओगे पीपल ऑफ द विलेज हु आर एट द एज ऑफ 18 और अबव आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, इज देयर एनी टेन्योर फॉर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, नो, दे आर मेंबर टिल देयर डेथ। मैं ग्राम सभा की बात कर रही हूँ, ग्राम पंचायत की नहीं। अगर ग्राम पंचायत है तो टेन्योर इज 5 years, ग्राम सभा तो पीपल आर मेंबर टिल देयर डेथ, टिल देयर डेथ वो मेंबर रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप अर्बन सेल्फ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट करोगे। नेक्स्ट इज, अब आ जाओ आप अपना चैप्टर पावर शेयरिंग। इन पावर शेयरिंग यू हैव टू लर्न एथनिक वेरिएशन ऑफ बेल्जियम, देन अबाउट श्रीलंका आल्सो, श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948,
Act was passed in Sri Lanka in 1956, and by that act, government followed, Sri Lankan government followed majoritarianism. Which path was followed by Belgian leaders? Accommodation path. Which path was followed by Sri Lankan leaders? Majoritarianism. Next is, which path is better, and you know it very well, accommodation path. Belgium became federal country after 1994. Belgian leaders amended their constitution how many times? Four times. 1970 se leke 1993 tak they amended their constitution. And third kind of government was set up in Belgium, that was community government. Community government was set up in Belgium. Community government means government on the basis of language. So this kind of community government in Belgium is an example of which type of division of power sharing coming together, which type of power sharing, power shared by the horizontal, vertical, or power shared by different social groups. Third kind of government set up in Belgium is an example of which type of division of power sharing, horizontal, vertical, or social division, power shared by different social groups. Power shared by different social groups. Community government jo Belgium mein set up hui, wo iski example hai. Power shared by different social groups. In India, seats are reserved for SC and ST. It's an example of which type of power sharing. Horizontal, vertical, social groups. Social groups. There is separation of power. It's an example of which type of power sharing. Horizontal division of power. हम खुद ही कहते हैं powers are separated. क्योंकि एक organ law बना रहा है, दूसरा check कर रहा है, तीसरा दूसरा implement कर रहा है, तीसरा check कर रहा है. ठीक है? अगर मैं बोलूँ powers are shared from higher to lower level, इसकी example है vertical division of power. अगर मैं बोलूँ powers are balanced and there is system of check, it's an example of horizontal division of power. Agar aap horizontal and vertical aapko kuch nahi karna, you have to learn the topic horizontal and vertical. Agar aap horizontal and vertical social group ko power shared by different groups, agar aap ye learn kar lete ho, aapko is topic mein problem hi nahi aani. Agar main bolu power shared by different political parties is an example of horizontal vertical collision ke different social groups, it's an example of coalition government. It's an example of coalition government. क्योंकि different political parties ने power share किया ना, तो इसकी example क्या बनेगी? Coalition government. तो इस वजह से अगर आप पढ़ के learn करोगे तो no problem will come in paper. तो आपको पता होगा, you can identify. Next is horizontal में आप यही बताओगे power shared by different organs such as legislature, executive and judiciary. लेवल्स में आप यही बताते हो पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट लेवल्स सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. हॉरिजॉन्टल में आप बोलते हो पावर्स आर बैलेंस्ड, उधर आप कहते हो पावर्स आर नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि पावर्स तो बैलेंस्ड हो ही नहीं सकती. 97 सब्जेक्ट्स हैं, फिर इसमें भी सेंट्रल का ही होल्ड है, फिर रेजरी पावर भी सेंट्रल ही इंजॉय कर रहा है, कहाँ पावर्स बैलेंस्ड हैं. तो उधर आप कहोगे पावर्स आर बैलेंस्ड, तो उधर आप कहोगे देयर इज सिस्टम ऑफ चेक, यहाँ पे आप कहोगे देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट जब अपने इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती. ठीक है? तो इधर आप कहोगे देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक, उधर आप कहोगे देयर इज सिस्टम ऑफ चेक. बिकॉज़ क्यों हम कहेंगे सिस्टम ऑफ चेक का, जजेस ऑफ जुडिशरी आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ना, तो जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यू नो इट वेरी वेल. जजेस ऑफ जुडिशरी आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, कीप एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर. तो देयर इज सिस्टम ऑफ चेक, जबकि इधर सिस्टम ऑफ चेक नहीं है. वर्टिकल में देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक, हियर पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल. इधर पावर्स हायर टू लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले सेंट्रल है, फिर स्टेट है, फिर लोकल है, वो हायर टू लोअर लेवल पावर्स अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वेयर एज आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में बोलोगे देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर.
तो इस वे से लर्न करोगे नो प्रॉब्लम विल कम. यू हैव टू लर्न डिफरेंशिएट बिटवीन, आपको ये लर्न करना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो हम खुद ही कहते हैं पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, हम एग्जांपल इंडिया एंड बेल्जियम देते हैं. व्हाई इंडिया? बिकॉज इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी. व्हाई बेल्जियम? बिकॉज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन बेल्जियम एंड दैट वॉज कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज. अगर मैं बोलूँ पावर शेयर्ड बाई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट. तो इस वे से किए हुए कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है. कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर का भी डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो नो प्रॉब्लम विल कम. जैसे कि आपको पूछा जाए कि इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन सिटीजंस एंजॉय ड्यूअल सिटीजनशिप, तो आपको एक मिनट लगेगा आइडेंटिफाई करने में कि ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है. फिर आपको पूछा जाए इन दिस सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट्स आर अनस्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, आप एक मिनट में पहचानोगे कि ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है. तो इस वे से अगर आपको आते हैं तो यूनिटरी एंड फेडरल में डिफ्रेंशिएट, यूनिटरी में सिंगल सेट्स ऑफ लॉ, यूनिटरी में सिंगल सिटीजनशिप, सेंटर इज मोर पावरफुल. तो इस वे से आपको ये सारे लर्न करने हैं. डिफ्रेंशिएट यू हैव डन, तो उन्हीं को एक बार रीडिंग कर लो.